हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए बिहार बोर्ड का फिजिक्स 2018 का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, फिजिक्स में 2018 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज डील करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो याद करो, आप पढ़े होंगे, जैसे मान लो कोई असीमित चादर है, यानी कोई एक चादर है असीमित अनंत लंबाई का, और ये एक समान आवेशित है इस तरह करके, इस पर एक समान आवेशित है, और इसका मान लो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो हम बोले थे इसके कारण किसी बिंदु पर, अगर हम यहाँ इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र निकालें, तो इस जगह विद्युत क्षेत्र का मान होगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। देखो ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन चला गया सी। क्लियर है, तो ये सी नंबर इसका सही है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज को थोड़ा डील करते हैं। बोल रहा है C1 बराबर 2 माइक्रोन फराड तथा C2 बराबर 4 माइक्रोन फराड के दो संधारित्र को, कितने संधारित्र, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, वो श्रेणी क्रम में, और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। कितना वोल्ट, वो 1200 वोल्ट। तो बोल रहा है 2 माइक्रोन फराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो चलो देखते हैं बाबू, ये एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र, इसका दिया है 2 माइक्रोन फराड और इसका दिया है 4 माइक्रोन फराड, दोनों बोला श्रेणी में जोड़े हैं, और श्रेणी में जोड़े हैं कैसे, एक बैटरी से, और इस बैटरी का जो विभवांतर है वो है 1200 वोल्ट। कितना है, 1200 वोल्ट। क्लियर है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो 2 माइक्रोन फराड है, इसका मान लो इसका विभवांतर कितना V1 है, V1 कितना होगा वो चीज निकालना है, V1 कितना होगा निकालना है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो याद करो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर C इंटू वी। तो अगर हमको वी चाहिए, क्या चाहिए, वी चाहिए, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय C, वी इक्वल टू Q बाय C। क्लियर है, वी बराबर होगा Q बाय C, यानी अगर हमको इसके इसमें कितना आवेश संचित हुआ, अगर वो आवेश पता चल जाएगा, क्यू का वैल्यू पता चल जाएगा, बाय उसको किससे कर देंगे, सी से, तो निकल जाएगा मेरा क्या, उसका विभवांतर। तो चलो तैयार हो, तो सबसे पहले आवेश निकालना है, तो आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला क्यू बराबर सी वी। तो देखो कैसे होगा, इसको हम यही निकाल लेते हैं। तो बोलो आवेश निकालना, क्यों निकालना, सी सी मतलब धारिता, तो दोनों को जोड़ देंगे, श्रेणी में है, ठीक है, तो श्रेणी में है, श्रेणी में कैसे निकालते हैं इसका धारिता, सबसे पहले दोनों गुना कीजिए, 2 × 4 बाय दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 4 तो कितना हो गया, 8/6 यानी कितना, 4/3 माइक्रोन फराड, यानी दोनों का मिला करके धारिता जो आया वो 4/3 माइक्रोन फराड, तो लिखेंगे 4/3 माइक्रोन फराड इंटू विभवांतर कितना है, वो तो विभवांतर है 1200 वोल्ट, तो 1200 इसको गुना कर दीजिए कितना, असर कटा दीजिए कितना, 400, यानी 1600 माइक्रोन कूलम आया, 1600 माइक्रोन कूलम आवेश। अब चलो निकाल देते हैं विभवांतर, तो बोला आवेश कितना आया, 1600 माइक्रोन कूलम बाय धारिता कितना है, तो बोल रहा 2 माइक्रोन फराड, क्योंकि इसी का निकालना है, 2 माइक्रोन फराड, तो बोलो कट गया, माइक्रोन से माइक्रोन कट गया तो कितना हुआ, अरे ये कट गया कितना, 800, आंसर हो गया 800 वोल्ट। क्लियर है, तो है ऑप्शन हमारा 800 वोल्ट, ये हो गया। क्लियर है, ये तो हो गया पूरा नियम कानून से जो बनाना है। क्लियर है, लेकिन हम सीधा सा तरीका हम सिखा देते हैं, इतना ज्यादा लफड़ा मत पढ़ो, इतना ज्यादा लफड़ा में पढ़ना नहीं है, सिंपल सा है कि जिसका होगा धारिता ज्यादा, जिसका होगा धारिता ज्यादा उसका होगा विभवांतर कम, जिसका होगा धारिता ज्यादा उसका होगा विभवांतर कम। क्लियर है, तो बाबू देख रहे हैं इसका धारिता 4 माइक्रोन फराड, यानी इसका कम होगा, ठीक है, और सबसे पहले क्या करो, 1200 जो है इस दोनों अनुपात में तोड़ो, ठीक है, 1200 को 2 माइक्रोन फराड और 4 यानी इस दो के अनुपात में तोड़ो, यानी दो अनुपात में अगर तोड़ेंगे तो ये मेरे ख्याल से 1:2 है, ठीक है, इसका अनुपात अगर करेंगे तो 1:2,
तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा विभवांतर, यानी विभवांतर इसमें दो अनुपात में रहेगा इसका एक अनुपात में। तो सिंपल सा इसको तीन भाग में तोड़ेंगे, 400 400 400 करके आएगा, तो एक हिस्सा इसमें रह जाएगा, दो हिस्सा इसमें, यानी कितना हो जाएगा 800 वोल्ट। क्लियर है, समझ में आया? तो बहुत बढ़िया, जो तरीका समझ में आया बस इतना याद रखना कितना 800 वोल्ट। अब चलिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, न्यूमेरिकल टाइप का क्या है, न्यूमेरिकल ही है, चलिए देखते हैं। बोल रहा दिए गए चित्र में यदि आवेश के ऊपर कुल प्रभावी बल शून्य है, यानी ये जो चित्र दिया गया इसमें या फिर इसको या इसको दोनों में से किसी को लो, इस पर प्रभावी बल शून्य है, इस पर लगने वाला कुल बल शून्य है, तो क्यू बाय क्यू का अनुमान होगा, यानी बड़ी क्यू और छोटी क्यू का अनुपात का मान कितना होगा वो निकालना है। तो चलो समझो ध्यान से, एक चीज तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये और ये दोनों सेम चीज है, इसका मतलब अगर ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, अगर इसको हम प्लस माने तो इसको भी प्लस ही मानना होगा, इसको माइनस माने तो इसको भी माइनस मानना होगा, चूंकि सेम चीज है। क्लियर है, और ये थोड़ा अलग है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्लियर है, अब थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर समझदार है तो ये प्लस और ये प्लस, इसके कारण जो बल लगा इधर मान लो लगा कितना F1, कितना लगा F1, क्यों? क्योंकि प्लस प्लस विकर्षित करेगा, इधर बल लगा F1। अब इस पर जो है बल जीरो है, बोल रहा है क्यू पर लगने वाला प्रभावी बल शून्य, यानी इस पर लगने वाला बल जीरो है, तो जीरो तभी हो सकता है जितना इधर बल लग रहा उतना ही उधर लगे तो। लेकिन बाबू इधर लगने के लिए सबसे पहले इस दोनों को माइनस होना होगा, क्यों? क्योंकि माइनस है और ये प्लस है, तब ना उसको आकर्षित करेगा। तो ये जो है मान लो इधर आकर्षित किया, मान लो कितना बल से, F2 बल से, ये फिर इसको इधर आकर्षित करेगा, ये भी F2 बल से ही करेगा। बोलिएगा क्यों सर? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, इस आवेश को सेम चीज है, और दूरी जितना यहाँ है उतना यहाँ डेफिनेटली बल भी सेम रहेगा। और याद रखिएगा, दो सदिश अगर कभी 90 डिग्री पर हो, जैसे मान लो एक बल एफ है दूसरा भी एफ है, दो समान बल है और दोनों 90 डिग्री पर है, तो उसका परिणामी बल आता है F√2। कितना आता है? F√2। तो उसी तरह वो F2 है, ये भी F2 है, तो बोलो इसका इधर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? F√2। कितना? F√2। तो बोलो बाबू जितना इधर बल लग रहा उतना ही अगर इधर लगेगा तब ना कैंसिल करेगा, तब ना जीरो हो जाएगा। यानी सिंपल सा आपको दिमाग में सेट कर लेना कि F1 और इसका वैल्यू दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बोलो हम क्या बोले, F1 बराबर होना चाहिए किसके? F2√2 के। F1 किसके किसके बीच बल है? इसके और इसके बीच बल। तो चलो निकालना शुरू करो, बल का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 के जगह ये Q2 के जगह ये Q, बटे दूरी, यानी दोनों के बीच का दूरी ये चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स हल्का फुल्का भी 10 क्लास पढ़े होंगे तो ये एक वर्ग है और वर्ग का ये भुजा आर है, ये भी आर है, तो डेफिनेटली ये वाला कितना हो जाएगा? R√2। क्यों? क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2, यानी ये हो जाएगा R√2। तो बोलो R√2 का स्क्वायर बराबर F2 यानी किसके किसके बीच? इसके बीच या फिर इसके बीच बल, दोनों में से जिसका मन करे। चलो हम इसको ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? के Q1 के जगह Q2 के जगह बड़ी Q, बटे R स्क्वायर, तो दोनों के बीच दूरी कितना है? R स्क्वायर इंटू रूट टू। चलो अब जो कटरा काट देते हैं, K से K गया, बड़ी क्यू से बड़ी क्यू गया। क्लियर है? अब यहां बचा Q/R² √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर तो 2 इक्वल टू यहां क्या बचा? Q√2/R² R² से R² कैंसिल। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो बोलो क्या हो जाएगा? Q/Q = √2। आंसर, यानी हमारा आंसर आया 2√2। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का सॉल्व। अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपकी बार, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो सिंपल से इतना जरूर समझ रहे होंगे, मान लो कोई वस्तु है, इसको आवेशित करने का दो तरीका है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो प्लस आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर डाल दोगे तो माइनस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस, इलेक्ट्रॉन डालोगे तो माइनस। क्लियर है? तो सोचो अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो डेफिनेट निकला तो इसका द्रव्यमान घटेगा, और डालेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो
सही होना चाहिए ये कि अगर धनावेशित रहता द्रव्यमान घटता, ऋणावेशित रहता तो बढ़ता। लेकिन यहां देखो जरा सा कुछ नहीं बोला धनावेशित या ऋणावेशित, सिर्फ बोला आवेशित किया गया। आवेशित कौन सा किया, धनावेश किया या ऋणावेश किया उससे मतलब नहीं है, सिर्फ बोल रहा आवेशित किया। तो इसका मतलब ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है डी, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव का समानुपाती होगा, विद्युत विभव समानुपाती होगा। तो याद करो सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के कारण अगर हम किसी उसके कारण विद्युत विभव निकालते थे, ठीक है, तो अगर अक्षीय रेखा पर निकालते थे या विषुवतीय, चलो विषुवतीय रेखा पर ही लेते। बोल रहा है बहुत दूर r दूरी पर, ये नहीं बोल रहा है कौन, अक्षीय विषुवतीय ऐसा कुछ नहीं, मतलब किसी भी स्थिति पर। तो किसी भी स्थिति पर था 1/4πε0 p बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्लियर है, ये था हमारा। तो बाबू ये था हमारा, तो जरा ध्यान से देखो 1/4πε0 p और ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब कुछ बदल नहीं रहा है। तो बोलो सब ये सब कांस्टेंट अगर मान लें, इतना टर्म को अगर सोचो जरा सा, ये सारा हम कांस्टेंट मान लें, तो बोलो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्लियर है ऑप्शन में, तो ये गया, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है प्रभावी धारिता 5 μF, प्रभावी धारिता 5 μF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 μF के, सिर्फ 2 μF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। यानी सोचो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना भी आपको संधारित्र यूज करना है वो सब 2 μF का ही यूज करना है, और कितना मिला के करना है, सबको मिला के होना चाहिए 5 μF, और कम से कम कितना यूज करोगे कितना मिल जाए, तो देखो कैसे होगा। तो अगर हम 2 μF और 2 μF दो ठो अगर समांतर में ले लें, सोचिए जरा से 2 μF 2 μF दो ठो अगर समांतर में ले लेंगे, तो समांतर में डायरेक्ट जुड़ता है 2+2, ये हो जाएगा 4 μF। यानी अभी तक हमको सिर्फ मिला है 4, और चाहिए एक, और चाहिए एक, तो भाई क्या करेंगे कि एक और आ जाएगा। तो सोचो जरा सा अगर हम क्या करें, इसी के समांतर में एक ऐसा करें दो टर्म और जोड़ दें। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ तो चलिए अब समझते हैं फिर से, 2 μF हुआ 4 μF, चाहिए 5, क्या चाहिए 5। अगर सोचो इसी के समांतर में हम और इस तरह करके दो ठो जोड़ दें, ठीक है, दो ठो जोड़ दिए 2 μF और ये 2 μF, तो 2-2 श्रेणी में हो गया, श्रेणी में हो गया 2-2 कितना 1 आ जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में जो है कितना आ जाएगा 1, तो एक हो गया ये 1, 2, 3 और ये 2, 5, तो टोटल आ जाएगा इसका 5 μF करके देखिए इसका आ जाएगा 5 μF। तो 5 μF करने के लिए कम से कम क्या ठो जरूरी पड़ा हमको, 1, 2, 3, 4, यानी इसका आंसर है 4, कम से कम तो 4 ठो चाहिए तब होगा 5 μF, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बोल रहे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो, ठीक है, और याद करो हम सिखाए थे रो यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ये ना ही लंबाई पर निर्भर करेगा ना ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ये सिर्फ निर्भर करेगा किस पर, ताप पर, किस पर, ताप पर। तो चलो बोल रहा बढ़ता है, कब बढ़ेगा, सिंपल सा तापमान बढ़ने पर, हो गया खत्म, क्यों, बाकी सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये सब चीज पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लंबाई वगैरह ये सब पर निर्भर ही नहीं करता है, क्लियर है। आगे देखते हैं, अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, यानी कौन सा संबंध सही है। याद करो संवहन वेग Vd बराबर पढ़ाते हैं म्यू इंटू E, ठीक है, संवहन वेग बराबर गतिशीलता इंटू विद्युत क्षेत्र। तो बोलो ये तो कांस्टेंट था, इसको हटा दिए क्या हो जाएगा, Vd समानुपाती है ऑप्शन में, तो ये रहा मेरा आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आवेश क्यू विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाली बल होगा। याद करो यहां पर क्या दिया क्वेश्चन, एक आवेशित कण क्यू है और वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ है, संयुक्त मतलब एक साथ है, उसमें गति कर रहा है, तो बोल रहा है इस पर लगने वाला बल होगा। तो सिंपल सा हम बताए थे जब भी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों संयुक्त रूप से और उसमें कोई आवेशित कण गति करे तो उस पर जो लगने वाला बल होता है उसको कहते हैं क्या, लॉरेंज बल। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल याद होगा आपको FL वेक्टर बराबर था क्यू E वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। देखो ऑप्शन में है कहीं पर, देखो है, ठीक, ये मिल गया हमारा C नंबर, क्लियर है। तो ये था लॉरेंज बल आंसर।
अब चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बोल रहा है एम चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण वाले, एम चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है। समान टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़ों का चुंबक के आघूर्ण होगा। इन्हें चुंबक के आघूर्ण हर एक टुकड़ा का कितना होगा सुनो। अब जैसे मान लो बाबू ये कोई चुंबक है, इसका चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। मान लो इसका चुंबक के एक ये ध्रुव सामर्थ्य माइनस एम है और इसका प्लस एम है और इसका लंबाई कितना है 2L है। तो इसका चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हम कोई एक चुंबक के ध्रुव का मान लेते हैं और गुणे दोनों के बीच का लंबाई करते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, इसको जो है ये चुंबक को दो भाग में तोड़ दिया गया। अब सोचो दो भाग में तोड़ दिया यानी आधा कर दिया, सोचो आधा आधा कर दिया। तो बोल रहा है इस आधा आधा टुकड़ा का मान कितना होगा, यानी नया टुकड़ा का मान कितना होगा। तो सोचो लंबाई 2L के जगह हो गया L, यानी आधा हो गया। तो डेफिनेटली ये चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण भी तो आधा हो जाएगा, यानी पहले अगर M था तब कितना हो जाएगा M बाई 2। आंसर चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमीय सूत्र समतुल्य विमा की राशि है, यानी इसका जो विमीय सूत्र है इस चारों में से किसके समान है, इसका विमीय सूत्र इस चारों में से किसके विमीय सूत्र के समान है। तो सबसे पहले इसको समझना होगा ये आखिर विमीय सूत्र क्या है। विमीय सूत्र निकालने से बढ़िया मात्रक समझ लो, अगर इसका मात्रक और इसका मात्रक सेम रहेगा तो सोचो सेम। तो सबसे पहले अगर याद हो तो ये है क्या, ऊर्जा घनत्व। याद करो संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यूनिट 1। अब सोचो ये ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व का मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। तो जूल यानी न्यूटन मीटर इनटू प्रति मीटर क्यूब, क्लियर है। तो बोलो न्यूटन मीटर इनटू एम पर पावर माइनस थ्री करोगे तो एम पर पावर माइनस टू, यानी इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब चलो देखते हैं किसी का है कि नहीं, तो एक एक करके चेक करना होगा, वैसे नहीं चलेगा, एक एक करके चेक करना होगा। तो इसको चेक करते हैं ए नंबर को। तो ए नंबर का फॉर्मूला है बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, ठीक है, बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, यही ना। चलो अब इसका मात्रक लेना शुरू करो। बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, तो बी स्क्वायर यानी टेस्ला स्क्वायर हो गया। टू का कोई मात्रक होता नहीं, भूल जाओ इसको, म्यू नॉट, म्यू नॉट यानी क्या, पारगम्यता। और इसका मात्रक था टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, यह है। अब चलो एक टेस्ला से एक टेस्ला गया तो हमारा बच्चा टेस्ला ऊपर ले जाओ इसको प्रति मीटर, और एक गया ऊपर तो गया माइनस वन से प्लस वन, क्लियर है। और याद करो न्यूटन टेस्ला जो था उसको बोलते थे न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। टेस्ला कहीं होता क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर इंटू एम पर पावर माइनस वन इंटू ए। तो बोलो ए पर पावर माइनस वन और यहां कुछ नहीं प्लस वन, तो ये और ये तो कट गया, तो क्या बचा न्यूटन एम पर पावर माइनस वन माइनस वन यानी माइनस टू। अब जरा देखो इसका मात्रक अगर इसका मात्रक सेम टू सेम आ रहा है, इसका मतलब यही थी जिसकी हमको तलाश थी, यानी आंसर चला गया ए, क्लियर है। अब दूसरा सब चेक करके क्या करेंगे जब पहली वाली हमको मिल गया। बाबू ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बहुत इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो बस रट जाना अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो आ जाए, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, और पूछ भी देगा तो आपको 70 क्वेश्चन पूछेगा, 70 में सिर्फ 35 बनाना है, 35 तो छोड़ देना है, तो भी छोड़ देना, क्लियर है। लेकिन फिर भी चलो इसका आंसर जो है √3R है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक वगैरह देखिएगा तो इसका आंसर दिया है √3R। हम बनाने बैठे हैं, सोचे बता के दिखाएंगे, लेकिन बाबू डेढ़ पेज लगा, तो हम नहीं चाहते कि आपको डेढ़ पेज झूठ मूठ का यहाँ टाइम वेस्ट करें, इसीलिए याद रख लीजिएगा √3R। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, कौन राशि है, सदिश राशि जो निर्दिष्ट होती है। बोलो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका दिशा हम क्या बोले थे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, है क्या ऑप्शन में, दक्षिण से उत्तर ध्रुव, मिल गया ए नंबर। अब चलो क्या बोल रहा है, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम है, एक तार है उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना है एम है, और लंबाई कितना है बाबू एल है, और बोल रहा को त्रिज्य आर के अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है, यानी आर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार रूप में उसको क्या किए, मोड़ दिए। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका एम ही रहेगा, क्यों, आकार बदल दिए थोड़े है कि कुछ चुंबकीय क्षेत्र वगैरह बदल जाएगा, वही रहेगा, तो इसका आंसर वही रहेगा एम, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं।
बोल रहा है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी एक बंद परिपथ है उसका प्रतिरोध दे दिया है 10 ओम। इस परिपथ में टी समय, कितना समय, टी समय में चुंबकीय फ्लक्स कितना दिया है 5/6t² - 5t+1 से परिवर्तित होता है, ये वेबर में दिया है, किसमें दिया है वेबर में। तो बोल रहा है टी बराबर 0.5 सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें धारा। तो धारा निकालना सबसे पहले विद्युत वाहक बल निकालना होगा, याद करो फराडे के द्वितीय नियम से पढ़े थे E = -dΦ/dt, चलो सॉल्व करो, माइनस डी फाइ का वैल्यू कितना दिया है 6t² - 5t+1/dt। अब तुम लोग बाबू 12 का एग्जाम देने वाले हो, डिफरेंशिएशन जरूर आता होगा, तो हम शॉर्टकट मारते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -12t - 5+0 हो जाएगा इसका, तो इतना कोई टेंशन नहीं, यानी 12t - 5, क्लियर है। ये आ गया समय दे दिया टी, टी कितना दे दिया 0.25 सेकंड, देख लो 0.25, इसीलिए E बराबर रखते हैं -12 × t, टी का वैल्यू 0.25 - 5। अगर थोड़ा बहुत भी जानते होगे तो इसको इंटू करोगे 3 - 5, तो बोलो 3 - 5 - 2 - - +2, यानी आंसर आया 2, कितना आया 2, E का मान आ गया 2 वोल्ट। तो धारा चाहिए, करंट चाहिए, तो I बराबर होता है E/R, तो E कितना दिए आया 2 वोल्ट, R प्रतिरोध कितना दिया 10 ओम, तो इसका आंसर जाएगा 0.2 एम्पियर है ऑप्शन में, मिल गया बी नंबर, क्लियर है। अब चलो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I = 5 cos ωt एम्पियर तथा V = 200 sin ωt वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि होगी, यानी कितना शक्ति होगा वो। तो शक्ति निकालने के लिए हम फॉर्मूला पढ़ाए थे VI cos phi। तो सोचो वोल्टेज दे दिया है, करंट दे दिया है, अब फाई यानी दोनों के बीच कौन पता होना चाहिए, तो जरा ध्यान से देखो, गौर करो, वोल्टेज जो है साइन है और करंट जो है कॉस है, और आपको जरूर पता होना चाहिए कॉस और साइन के बीच 90 डिग्री होता है, यानी साइन अगर इधर है बाबू तो कॉस इधर होगा, यानी कितना डिग्री 90 डिग्री। तो सोचो यहां पर अगर 90 रख दिए, इमेजिन करो वी का मान कुछ भी रहे, आई का मान कुछ भी रहे, लेकिन कॉस फाई का मान अगर 90 लिए, तो बोलो वी आई कॉस 90 की वैल्यू 0, तो बोलो सब मिला के 0, ठीक है, ले दे के 0, शून्य है ना, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 3.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो विकर्ण जिस क्षेत्र में संबंधित वह है, तो सुनो ये बहुत अधिक ऊर्जा है 3.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसका होता है एक्सरे का, एक्स किरण का, क्लियर है। आप देखे होंगे कभी एक्सरे वगैरह कराने जाते होंगे तो तुरंत 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा, उससे भी छोटा हिस्सा था कि आपके यहाँ, जैसे मान लो आपका हाथ टूटा एक्सरे कराना है, तो बहुत कम हिस्सा के लिए, बहुत कम समय के लिए डालता है, क्यों, ज़्यादा समय के लिए डालेगा इसका ऊर्जा बहुत अधिक होता है बाबू, आपका हाथ जल जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है, इसीलिए बहुत कम समय के लिए इसका यूज होता है। अब चलो बात हो रहा है क्या, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना है, ठीक, प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब, तो याद करो अभिदृश्यक लेंस से जब बनता है प्रतिबिंब, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अगर याद हो, कुछ इस तरह था, ऐसे गया, ऐसे ऐसे यहाँ बनता था, फिर एक होता था नेत्रिका, फिर ऐसे जाता था, फिर ऐसे जाता था, फिर ऐसे करके मिला देते और यहाँ बन जाता था फाइनल। तो ये जो अभिदृश्यक लेंस है ये नेत्रिका है, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सबसे पहले देखो वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब इसका ऐसे बना, यानी उल्टा बना, और दूसरा नंबर वस्तु से प्रतिबिंब क्या बनता है बड़ा, तो दो आंसर, दो चीज होना चाहिए, ठीक है, कैसा, बड़ा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, और वास्तविक भी होना चाहिए, ये जो है काल्पनिक बना रहा है क्योंकि डॉट डॉट करके मिल रहा है, लेकिन ये तो डायरेक्ट मिल रहा है, यानी ये वास्तविक भी है, यानी वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है, तो काल्पनिक छोटा नहीं, वास्तविक छोटा नहीं, वास्तविक वो बड़ा, आंसर यही सी नंबर,
वास्तविक होता है और बड़ा होता है। बोल रहे हैं एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाए थे जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। दोनों का अपवर्तनांक क्या है? बराबर है। तो लेंस की फोकस दूरी होगी, लेंस की फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो बाबू हो जाएगा इसका फोकस दूरी जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो क्यों? अगर या तो लेंस निर्मात्र सूत्र तो था 1/f = μ2/μ1 - 1/r1, ठीक है, -1/r2। तो सोचो दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सेम है, लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक और उसका अपवर्तनांक दोनों सेम है, और दोनों का अपवर्तनांक अगर सेम है तो दोनों कट के वन हो जाएगा, तो 1 - 1 0, 0 गुना कुछ भी 0, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है। अब चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। अरे क्या हो गया? अब आइए, चलो बोल रहा, देखो माध्यम एक से माध्यम दो को जाने वाली, किधर से किधर जा रहा, एक से माध्यम, माध्यम एक से माध्यम दो में, माध्यम एक से माध्यम दो को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। क्रांतिक कोण कितना? थीटा है। तो प्रकाश का वेग माध्यम एक में भी है तो प्रकाश का वेग माध्यम टू में होगा, यानी माध्यम टू में कितना होगा निकालना है। चलो देखो बाबू ये कोई सीमा है, ये क्या सीमा है? इधर माध्यम वन है, इधर माध्यम टू है, एक प्रकाश डाले किधर? सघन माध्यम से, यानी माध्यम एक से किधर चला गया? माध्यम टू में। तो ये अभिलंब है नॉर्मल, तो बोलो कितना कोण बना के डाले? थीटा। थीटा जो क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण जब होता है तो प्रकाश किरण ऐसे चल जाता है, यानी अपवर्तनांक, अरे अपवर्तन कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री। कितना हो जाता है? 90। चलो मान लो इस माध्यम का अपवर्तनांक है म्यू वन, इसका है म्यू टू, क्लियर है? तो जरा समझना, तो हम सिखाए थे स्नेल का नियम, तो लिख सकते हैं म्यू वन साइन थीटा बराबर म्यू टू साइन आर, लिख सकते हैं। चलो लगा दो, म्यू वन साइन थीटा इक्वल टू म्यू टू साइन आर, आर का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। अब चलो सॉल्व करते, चलो म्यू के जगह लिख सकते हैं सी, म्यू वन के जगह सी बाय वी वन इंटू क्या? साइन थीटा बराबर म्यू टू के जगह कितना लिख सकते हैं बाबू? बोलो, म्यू टू के जगह कितना लिख सकते हैं? सी बाय वी टू इंटू साइन 90 वैल्यू वन। बोलो, सी से सी कट गया, सी से सी कट गया। अब हमको चाहिए क्या? माध्यम टू का वेग, यानी वी टू चाहिए, तो इस वी टू को इधर ले जाओ, इसको इधर, इसको इधर, तो बोलो वी टू बराबर हो गया कितना? वी वन बाय साइन थीटा आया, वी वन बाय साइन थीटा। तो वी वन यानी माध्यम एक का वेग, और माध्यम एक का वेग भी है बोल रहा है, तो वी वन के जगह वी बटे साइन थीटा, ऑप्शन है कहीं वी बटे साइन थीटा, वी बटे साइन थीटा, बी नंबर, क्लियर है? चलो हो गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी को एक इंच दूरी पर, कितना? एक इंच दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, यानी वस्तु दूरी दे दिया है, ठीक है, वस्तु दूरी दे दिया कि कितना u बराबर कितना? एक इंच, क्लियर है। और अब यदि आवर्धन m बराबर क्या है? 5 है, आवर्धन 5 है, तो प्रयुक्त की गई लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी क्या होगा लेंस का फोकस दूरी? फोकस दूरी हमको निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो देखो कितना आसान है, तो m बराबर था, ठीक है, सबसे पहले हमको संबंध याद करना होगा कि इसके बीच फोकस दूरी और वस्तु दूरी के बीच। अच्छा क्या चाहिए हमको? अच्छा छोड़िए ना, हम स्टेप सिखा देते, ठीक है, स्टेप सिखा देते, तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलो देखो कैसे बनाएंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले m बराबर v बाई u पढ़े होंगे, m बराबर v बाई u, क्लियर है। तो हमको देखो m दे दिया है, m कितना दे दिया? 5, भी पता नहीं, यू वस्तु दूरी दे दिया कितना? 1 इंच। तो बोलो भी बराबर कितना हो गया? 5 इंच, इसको इधर गुना कर दिए, 5 भी निकल गया।
और हमको फोकस दूरी चाहिए। तो बोलो फोकस दूरी पढ़ाए थे 1/f = 1/v - 1/u लेंस के लिए, 1/v - 1/u। तो बोलो 1/f = 1/v कितना बाबू 5, माइनस 1/u कितना 1। तो सॉल्व करो 1/5 आ जाएगा, तो 1 माइनस कितना ये 5 चल गया, तो बोलो -4/5। तो 1/5 इसलिए एफ बराबर पलट जाएगा, तो -5/4 यानी 1.25 है ऑप्शन 1.25। ये देखो ये 1.2 दिया है, लगभग वही जाएगा, क्लियर है, 1.2 इंच आ गया। अब चलो देखो, बोल रहा दूरदृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। कौन दृष्टि दोष है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष यानी इसको दूर का चीज दिखाई दे रहा है, दूर का चीज दिखाई दे रहा है लेकिन नजदीक का चीज दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपल सा, जैसे ये मानव नेत्र है, देखो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, दूर वाला चीज तो ऐसे इसको दिखाई दे रहा है, रेटिना पर जाके बन जा रहा है, ठीक है, फिगर भी हम गलत बनाए, हाँ रेटिना पर जाके मिल गया। लेकिन नजदीक में जैसे मान लो कोई वस्तु है, तो ये क्या होता है, इसके पीछे जाके बिनता है, बताए थे हम ऐसे जाके कहीं मिलता है, इसको दूर, इसको ठीक करना है। तो हम बताए थे अगर किसी तरह इसको ऐसा फील करा दें कि ये जो वस्तु नजदीक में रखा लेकिन फिर भी दूर में हो, ठीक है, उसको ऐसा फील हो कि वस्तु नजदीक में है लेकिन फिर भी उसको फील हो कि कहाँ पर है, दूर में है, तो उसको दिखाई देगा कि नहीं। और इसके लिए हम किसका उपयोग बताए थे? उत्तल लेंस, याद करो उत्तल लेंस। तो सिंपल सा, सोचने नहीं है, और वैसे 10 में रटे होंगे हम, तो पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन कर दिए, करना नहीं चाहिए था, 10 में रटे होंगे और हम तो पढ़ाए भी हैं। अब चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? कौन सी घटना होती है? सबसे पहले समझो बाबू, एक वर्णी मतलब एक ही रंग है, एक ही रंग है। सुनो, प्रिज्म में पढ़े होंगे कि ये प्रिज्म है, अगर इससे कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है, कौन प्रकाश? श्वेत प्रकाश, से ये 7 रंग में टूट जाता है। 7 रंग में क्या हो जाता है? टूट जाता है। लेकिन कब? श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, बहुवर्णीय है। लेकिन यहां बाबू एक वर्णी बोल रहा है, यानी कोई एक रंग का ही प्रकाश है, तो उसमें वर्ण विक्षेपण तो होने वाला है नहीं, तो सिर्फ क्या होगा? विचलन। क्या होगा? विचलन। तो इसका सही आंसर है विचलन, क्योंकि वर्ण विक्षेपण तब होता है जब बहुवर्णी होता है, और यहाँ साफ साफ बोल रहा है एक वर्णी है, और एक वर्णी है इसीलिए सिर्फ क्या जाएगा? विचलन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब वो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, ये सब क्वेश्चन में कोई दम है? अब सुनो, दो उन तरंगों का व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयामक का मान होगा जिससे प्रकट किया जाता है, यानी दो तरंग है उसका अधिकतम आयाम का मान कितना हो सकता है जो कि सही है, मतलब प्रकट किया जा जाता है, मतलब जो सच में किया जा सकता है। तो सुनो, परिणामी आयाम जो होता है वो होता है √a1² + a2² ये होता है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको 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 इस तीनों का मान इसमें से सेट करके देखो, किसी में a का वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन ये जो 5 है ना ये आ जाएगा। बोलो क्यों? a का वैल्यू देखो 5 कब आएगा? अगर ये रहता 3² + 4² देखो आ जाता 5, यानी यही एक ऐसा वैल्यू जो इस फॉर्मूला से आ सकता है, इसीलिए आंसर चला गया कौन? 5। क्लियर है? इसको क्या समझाएं, ये तो पिछले दिन ही बताए थे, ठीक है, तरंग का कलांतर फाइव, पथांतर डेल्टा एक्स, संबंध कौन सा है, ये है, ठीक है, पिछले जो पढ़ाए थे उसी में बता दिया, ये भी बता दिया मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में दे, वो 1/60 मिनट। अब चलो, ये बोल रहा है किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण भी विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो डी ब्रोगली तरंग दर्द होगा, डी ब्रोगली तरंग दर्द होगा, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यानी λ = होता है h/p, तो λ = h/p, p मतलब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, तो h/m × v मतलब वेग, v मतलब वेग, वेग पता है? नहीं पता है। ये भी विभवांतर है, भी विभव है यानी विभवांतर है, और हमको ये भी चाहिए, भी जो है वेग है,
तो वेग कैसे निकालेंगे सुनो। देखो आपको हम सिखाया थे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर ई इंटू भी, ई इंटू भी। अब गतिज ऊर्जा लेते हैं तो हाफ एम भी स्क्वायर बराबर ई इंटू भी। तो बोलो भी स्क्वायर कितना बाबू, भी स्क्वायर इसको सिर्फ ले रहे हैं तो ये किधर चल जाएगा उधर, तो बोलो कितना टू ई भी बटे एम। तो बोलो भी बराबर कितना होगा बाबू, तो भी बराबर होगा रूट अंडर टू ई भी बाय एम। ये भी का मान निकल गया, अब रख दो भी की जगह रूट अंडर टू ई भी बाय एम। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, एच बाय एम, एम को लिखे रूट भी इंटू रूट भी, सॉरी क्या हम भी एम को लिखे रूट एम इंटू रूट एम इंटू। अब सोचो जरा से इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर टू ई भी बाय रूट अंडर एम, तो रूट एम से रूट एम कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बचा एच बाय रूट अंडर टू, इसको भी एक साथ कर सकते हैं एम ई भी है ऑप्शन। हाँ सही है, ई मतलब हम इलेक्ट्रॉन मान के ले लिए हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं माना, क्यू आवेश लिया है, तब ई को क्यू मान दो तब आ जाएगा आंसर टू एम क्यू भी, एम क्यू भी, एम क्यू भी, टू क्यू एम, टू एम क्यू भी, एच बाय टू, ये आंसर क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, ठीक बोल रहा 10 पर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण वाले ऊर्जा की फोटोन की संख्या होगी। सुनो एक फोटोन का ऊर्जा होता है ई बराबर होता है एच न्यू, एच न्यू, तो दो फोटोन का होगा 2h न्यू, तीन फोटोन का होगा 3h न्यू, और मान लो फोटोन की संख्या अगर एन हो तो कितना हो जाएगा एन एच न्यू, तो हमको एन चाहिए, कितना चाहिए एन, तो एन बराबर क्या होगा ई बटे एच न्यू, ई बटे एच न्यू। अब चलो रख दो ई ऊर्जा कितना है 6.62 जूल लिखो पॉइंट हो गया बटे एच, एच प्लांग नहीं था, इसका वैल्यू कितना होता है 6.62 इंटू 10^-34 इंटू न्यू, न्यू कितना दिया 10 पर 14 हर्ट्ज क्लियर है। ये तो सीधा सीधी कट गया, अब इसको अगर सॉल्व करें 10^-34 और -14 तो 10^-20 ऊपर ले जाएंगे 10^+20 यानी इतना फोटोन निकलेगा है ऑप्शन में सी नंबर क्लियर है। अब चलो देखो बोल रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा कितना होगा भाई, तो सुनो कहना था कोणीय संवेग एल बराबर होगा एनएच बाय 2π, किसके बराबर एनएच बाय 2π, तो न्यूनतम कम से कम, तो कम से कम n का मान कितना होगा 1 यानी पहला कक्षा, तो सोचो अगर इसको हम 1 रख दें तो 1h बाय 2π, तो आंसर हो गया h बाय 2π, h बाय 2π है ऑप्शन तो बी नंबर। अब चलो देखो क्या बोल रहा है, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक z, परमाणु क्रमांक z तथा द्रव्यमान संख्या a है, तो परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, बोले थे न्यूट्रॉन का संख्या बराबर क्या द्रव्यमान संख्या घटा परमाणु संख्या ए माइनस जेड है ऑप्शन में डी नंबर। बोल रहा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं, ठीक है नाभिकीय अभिक्रिया में क्या जो है संरक्षित रहेगा, आवेश संरक्षित रहेगा, रेखीय संवेग रहेगा, कोणीय संवेग रहेगा, कौन सा रहेगा, तो इसका सही आंसर है रेखीय संवेग। क्यों, नाभिकीय अभिक्रिया टूटता है अपने आप, जब टूटता है कोई चीज, और जब कोई चीज एक टुकड़ा दो मतलब एक कोई बड़ा सा टुकड़ा दो भाग में बट जाता है बिना कोई बाहरी बल लगे, तो वहां याद रखिए उसका कोणीय संवेग सॉरी रेखीय संवेग क्या रहता है संरक्षित रहता है, इसका आंसर चल गया बी। वैसे ये 11 का क्वेश्चन है बाबू। फैक्स, फैक्स क्या होता है पहले समझो, बोल रहा फैक्स का अर्थ है, फैक्स क्या होता है, देखो आजकल क्या होता है आप फोटो किसी को भेजना चाहते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ देवघर में पढ़ रहे हैं और आपका जो है आधार कार्ड घर में ही छोड़ गया है, तो तुरंत अपने भाई को या भाभी को किसी को फोन करते होंगे कि हमको आधार कार्ड भेज दीजिए, फटाक से तो क्या करता होगा व्हाट्सएप में फोटो लेता होगा भेज देता होगा, अभी इतना आसान है, लेकिन पहले जमाने में ये सब उतना आसान नहीं था, पहले जमाने में बात करना आसान था, लेकिन इमेजिन करो कोई बाहर में है और उसका कोई कागज गाँव में छोड़ गया है तो बेचारा कैसे भेजेगा, तब फैक्स करना पड़ता था।
तो फैक्स एक तरह का टेलीफोन से ही करते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, डॉक्यूमेंट को भेजते थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट को भेजा जाता था। इन एक तरह का ये टेलीग्राफी है, कैसा है, टेलीग्राफी है, लेकिन कैसा, फैक्सिमाइल, यानी फैक्स के रूप में उसको भेजते थे, इसीलिए इसका नाम है, पूरा फैक्स का अर्थ है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। क्लियर है? बोल रहा है, एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है। ठंडा करना मतलब ताप घटाया, ताप घटाया तो इसका प्रतिरोध, और आपको पता है अर्धचालक में ताप घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेंसर बढ़ेगा। अब चलो लास्ट क्वेश्चन, यदि ट्रांजिस्टर में धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो। ट्रांजिस्टर समझो क्या होता है, आप लोग बजा बजाते ना, बजा एम्पलीफायर, ठीक है, वो एक तरह का ट्रांजिस्टर है। तो सोचो ये आपका जो है बाजा है, सॉरी एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर में आप क्या करते हैं, इधर से जैसे मान लो उसमें माइक लगा दिए, क्या लगा दिए, माइक, इधर से हम इनपुट दिए और इधर से हम स्पीकर लगा दिए, यानी इधर से क्या लिए, आउटपुट लिए, क्या लिए, आउटपुट, इधर लिए इन पुट दिए, इधर दिए आउटपुट। जो इनपुट में करंट जाता है उसको कहते हैं अल्फा, और आउटपुट में जो जाता निकलता है उसको कहते हैं बीटा। अच्छा बताओ, इधर से जो बोलते हैं, जैसे मान लो हम माइक में बोल रहे हैं तो मेरा आवाज़ तो डेफिनेट कम है, ठीक है, इधर कम होगा, लेकिन जब निकलेगा डेफिनेट 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है? यानी इसका काम क्या है, इधर से जब डालेंगे तो इधर इसका पावर बढ़ा देना, यानी अल्फा का मान जो है वो एक से कम होता है, सॉरी उल्टा संकेत दिया, अल्फा का मान एक से कम होता है, लेकिन बीटा का जो मान है वो एक से बढ़ जाता है, यानी एक से कई गुना बढ़ जाता है। तो देखो ऑप्शन में है कहीं, बीटा बड़ा अल्फा छोटा, सही, बी नंबर। तो इसी के साथ हम लोग का 2018 वाला पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना था वो क्लियर हो गया। अगला दिन मिलते हैं, यानी कल ही मिलते हैं, 2019 में जो क्वेश्चन बैंक था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।